गांव केलनिया में ये इस टाइम चल रही है बिजाई बीएसआर की। मैंने अभी तक 8 एकड़ में बीएसआर की सोइंग करवा चुका हूँ। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये 9वां प्लॉट है जिस पे ये सोइंग हो रही है। और मेरा जो सिरसा ब्लॉक में आता है जिसमें हमने जो टारगेट दिया गया है वो 30 एकड़ का है, जिसमें से ये अभी 9वां ही लगा है इसमें मेरे एरिए में। बाकी दूसरे एरिए में भी 2 एकड़ की सोइंग हो चुकी है, टोटल 11 एकड़ की सोइंग अभी तक हो चुकी है इसमें। जब आपने फार्मर से बात की कि इस तरह से बिजाई करनी है तो क्या उसमें इनिशिएटिव था? हाँ बिल्कुल, फार्मर को एक नया कॉन्सेप्ट लगा और फार्मर यहाँ का काफ़ी क्रेजी है जो नई इन्वेंशन में नई टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है। हमने फार्मर को समझाया, उसको बताया कि ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से काम कर रही है, ये इस तरह से मशीन है, सरकारी मशीन है और सरकारी एड भी जो है 3000 रुपये की आप जमींदारों को दे रही है। सिर्फ ये है कि इसमें बिजाई के लिए जो ज़मीन है वो वेल लेवल्ड होनी चाहिए, यानी कि लैंड लेजर लेवलर से तैयार की हुई होनी चाहिए। इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं सोइंग के लिए, सूखे में भी बिजाई हो जाती है और बत्तर में भी बिजाई हो जाती है, जिसमें से मैंने 6 एकड़ में अपने बत्तर में बिजाई करवाई है और 4 एकड़ में मैं सूखे में बिजाई करवा रहा हूँ। दोनों की सोइंग का जो मेथड है वो तो सेम है, लेकिन जो पानी हम देते हैं वो सूखे में की बिजाई करके पानी देते हैं और बत्तर में पहले पानी दिया हुआ होता है उसमें बिजाई कर देते हैं। इसमें सीड रेट कितना रहता है? इसमें जो सीड रेट है, जो मशीन जो फिक्स की हुई है, ये 8 किलो सीड डालती है, जिसमें मेजर वैरायटी हम जो ले रहे हैं 11-21 और PB1 या मुच्छल या CSR30, यही वैरायटी हम ले रहे हैं जिसका 8 किलो सीड ये डालती है पर एकड़ और 25 kg DAP डाल रही है, जो सीड कम फर्टिलाइज़र ये मशीन है, दोनों काम साथ के साथ ही कर रही है। लगाते नहीं ऐसे हैं, फसल है ज्यादा वो बन जाती है। देख सारे चल रहे हैं क्या अभी जो बंद पड़े हैं? लेकिन वो भी है कि 15 से पहले धान नहीं लगा, 15 नहीं लगाओगा अभी 15 ये कल परसों लगा दो नहीं, बढ़िया मेथड है, पैदावारी की अच्छी है, नई टेक्नोलॉजी।